समय और भाग्य कब बदल जाए कोई नहीं जान सकता, इसलिए समय और भाग्य पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। नमस्कार, बोलते तारे आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। हिंदू धर्म और पंचांग और ग्रह नक्षत्रों के मानने वाले लोग राशिफल के बारे में भी जानने के लिए बहुत अधिक उत्सुक रहते हैं। वही राशिफल के माध्यम से आप स्वास्थ्य, वैवाहिक जीवन, प्रेम और समृद्धि, परिवार, नौकरी से जुड़ी जानकारी आपको मिल सकती है। तो चलिए जानते हैं सोमवार का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। लेकिन क्या आपको पता है कि सोमवार को लोग भगवान शिव की पूजा क्यों करते हैं? सोमवार का दिन शिव भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन भक्त शिव मंदिर में दूध, बेलपत्र, भांग और धतूरा चढ़ाते हैं। कई लोग भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार को व्रत भी रखते हैं। मान्यता है कि सोमवार का व्रत रखने से व्यक्ति को सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। भोलेनाथ अपने भक्तों के कष्ट दूर कर देते हैं। पुरातन काल से लोग भगवान शिव की पूजा करते आ रहे हैं। शास्त्रों में जो व्यक्ति सोमवार को व्रत रखता है उसे सोमेश्वर कहा जाता है। तो आप भी अगर भगवान शिव के भक्त हैं तो सोमवार को शिव पूजा जरूर करें। और चलिए राशिफल की तरफ रुख करते हैं और शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आपको बेहतर करियर में मौके नहीं मिलेंगे। मौजूद कार्यस्थल पर सहकर्मियों से साथ संबंध खराब होने की आशंका है। आज के दिन बाहर जाने से बचे क्योंकि दुर्घटना होने की संभावना है। किसी के साथ अनबन भी हो सकती है। और अब बात करते हैं वृष राशि की। करियर में जिस ग्रोथ का इंतजार कर रहे हैं हो सकता है देरी हो जाए। वृष राशि के जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उन्हें ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता होगी क्योंकि बॉस या उच्च अधिकारियों के साथ बहस या अनबन होने की आशंका है। और अब बात करते हैं वृष के बाद मिथुन राशि की। यात्रा में सावधानी बरते, पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। उच्च शिक्षा की पढ़ाई के लिए आगे की योजना बना रहे हैं, उन्हें थोड़ी देरी हो सकती है। और अब बात करेंगे कर्क राशि की। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंधों में तनाव आएगा। अचानक से लाभ या हानि होने के भी योग बन रहे हैं। खर्चों को नियंत्रित करें। कर के बाद बात करेंगे सिंह राशि की। प्रेम संबंध या बिजनेस पार्टनर के साथ मामूली विवाद हो सकता है। गलतफहमी पैदा हो सकती है। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कोई भी नया फैसला सोच विचार कर ले। और अब बात करते हैं कन्या राशि की। कोर्ट केस या कानूनी कार्रवाई में फंसे हुए हैं तो हार का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी पेशा जातक प्रमोशन की उम्मीद लगाकर रखेंगे लेकिन सफलता नहीं मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं तुला राशि की और जानेंगे तुला राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। बच्चों के साथ भी संबंधों में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। दोस्ती और सामाजिक संबंधों में भी परेशानियां आ सकती है। लोन चल रहा है तो किश्त समय पर जमा करें और किसी से पैसा उधार ना लें। और तुला के बाद बात करेंगे वृश्चिक राशि की। माँ के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहेगा। स्वास्थ्य में भी गिरावट आ सकती है। कोई प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बनाए हैं तो सतर्क रहे, ठगी के शिकार हो सकते हैं। और अब बात करेंगे धनु राशि की। काम से संबंधित यात्राओं को करने के दौरान परेशानी हो सकती है। मानसिक शांति के लिए कोई आध्यात्मिक यात्रा कर सकते हैं। भाई बहनों के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। धनु के बाद बात करेंगे मकर राशि की। फैमिली बिजनेस में घाटा हो सकता है। पारिवारिक विवाद बढ़ सकता है। आर्थिक क्षति भी हो सकती है। सट्टा बाजार, शेयर बाजार में निवेश करने से बचें। और चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि की और जानेंगे कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। साढ़े साथी का दूसरा चरण भी चल रहा है। ऐसे में भाई बहन के साथ संबंध प्रभावित होंगे। विवाह में परेशानी हो सकती है। पेशेवर रूप से देखा जाए तो कार्यस्थल पर नौकरी पेशा जातकों को काम का अधिक दबाव महसूस हो सकता है। और अब बात करेंगे अंतिम राशि मीन की। आर्थिक नुकसान हो सकता है। कर्ज में बढ़ोतरी हो सकती है। वेतन वृद्धि ना होने से मन दुखी रहेगा। कई कठिनाइयों से गुजरेंगे और आपका भरोसा अध्यात्म के प्रति बढ़ता जाएगा। बोलते तारे में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।